हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा हमारा जो ई रिक्शा रिपेयरिंग करने के लिए किस तरह का टूल यूज़ करना पड़ता है, आप किस तरह का टूल यूज़ करेंगे और किस प्रकार के हमारा किस तरीके से टूल होती है, तो कितना क्या कहाँ पे टूल यूज़ करना है आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल्स में जानकारी दूंगा दोस्तों। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ज्वेल, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी बेस्ड। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे सामने बहुत ही टूल्स गिरा है, तो इन टूल्स को कहाँ पे आपको यूज़ करना है, किस तरीके से यूज़ करना है आज इस वीडियो में डिटेल्स में जानकारी दूंगा दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, ये हमारा 19 नंबर गुठी रेंज होती है, तो देखिए उसमें 19 लिखा है ऑन। तो देखिए ये हमारा 19 नंबर गुठी है, तो इसमें 19 लिखा है, आप देख सकते हैं। तो ये कहाँ पे यूज़ होता है दोस्तों, ये हमारा ज़्यादातर चक्का की नाट को खोलने की ही ज़रूरत होती है दोस्तों, इसका बेसिकली यही काम होता है। इसका सिवा और एक काम होती है जो हमारे आगे की चक्के होती है उसका एक्सल की नाट रिमूव करना दोस्तों। तो इसका हो गया, उसका बाद हम लेते हैं ये जो हमारा कितना है, देखिए 30 mm का एक गूठी है देखिए दोस्तों, और इसका साथ आप लोगों को एक हैंडल भी मिलेगा। ये आप जो हमारा जो होती है एक्सेल का नाट, जो हमारे ड्राम के ऊपर एक नाट रहे थे एक्सेल के, उसके ऊपर नाट रहे थे, उसी नाट का एक गुठी है दोस्तों। एक ही इसमें देखिए दोस्तों, इस रेंज में एक ही काम करेगा, जो हमारे एक्सेल का ऊपर एक गुठी का नाट रहते हैं उसी का नाट है। तो देखिए ये हमारा जो एक्सेल होती है, एक्सेल को जो ड्राम होती है, ड्राम के ऊपर एक नाट लगा। तो ये देखिए हमारा ये होती है हमारा 32 mm की गुठी है, तो इस गुठी को आप कहाँ पे यूज़ करें दोस्तों। बेसिकली दोस्तों ये एक ही काम होती है, किस काम पे होती है दोस्तों, ये होती है हमारे जो चक्का के ऊपर एक मोटी सी नाट रहती है उसी नाट का ये गुठी है, एक ही काम करेगा दोस्तों इसमें। तो और उसका बाद आती है हमारा जो गुठी के रेंज, तो देखिए ये हमारा देखिए 8 mm का एक हैंडल और गुठी है, तो इसमें क्या काम आती है दोस्तों, इसमें मोटर को निकलना, गियर बॉक्स को खोलना और वही काम आती है, उसका सिवा कुछ काम नहीं आती है दोस्तों। ये दोनों ही काम आती है 8 नंबर गुठी की, और एक काम आती है दोस्तों 8 नंबर गुठी की, जो हमारा पीला बॉक्स होती है, जंक्शन बॉक्स पीला बॉक्स, उसका अंदर जो हमारा मोटर की जैक कनेक्ट करती है उसका नाट रहती है दोस्तों। और एक गुठी लाएगा इसी का जो हमारे 8 नंबर होती है, एक 10 mm भी लाएगा दोस्तों, तो देखिए ये 10 mm भी है। तो ये क्या काम होती है दोस्तों, तो ये जो हमारे मीटर की नाट होती है, जो हमारे टी के साथ पकड़ कर रहती है दोनों नाट, तो इस तरह से आपको जो टी के नाट को ओपन करेंगे तो इजीली ओपन हो जाएगा दोस्तों। आज जो आप 10 नंबर की डाल से आप इसको ओपन करेंगे तो बहुत ही मुश्किल होगा दोस्तों, इसलिए हमने इसको दो तरह की गुठी यूज़ किया है दोस्तों। तो उसका बाद हमारा आती है जो हमारा 16-17 की एक रिंग रेंज आती है दोस्तों, 16-17 की, तो इसमें क्या काम आती है देखिए, इसमें ज़्यादा काम आती है, दो ही काम होती है इसमें। तो इसमें जो हमारा पत्ती का नाट रहती है नीचे का, और जो हमारा यूक्लेम जो पत्ती होती है हमारा गाड़ी, उसी का नाट के काम आती है दोस्तों। पत्ती को लूज करके बूस को निकालना और जो यूक्लेम है उसको टाइट करना, इसी दोनों का ही काम आते हैं दोस्तों। तो उसका बाद हमारा जो लेती है 12-13 इस रिंग को, तो देखिए दोस्तों 12-13 रिंग नाट के हमारा पूरा बॉडी में ही छाया हुआ है, जितना भी देख सकते हैं 12-13 ही है ज़्यादातर नाट ही। तो इस 12-13 में आप सब कुछ टाइट कर सकते हैं, और भी क्या हो सकती है दोस्तों, जो हमारा गियर ब्रेक ड्रम की प्लेट के अंदर भी इस तरह के नाट रहती है दोस्तों, बियरिंग को रिमूव करेगा तो ये आपको लगेगा ही दोस्तों। तो 12-13 नाट और 14-15 भी ज़्यादा नहीं है, 14-15 भी है, तो 14-15 की आपको इस प्रकार की एक गुट डाल लेना होगा दोस्तों। ये 14-15 की डाल आपको ज़्यादातर यूज़ करना पड़ेगा, जो पीछे वाली हमारे स्टच चाका रहती है उस चाके को निकालने के लिए, ज़्यादा उसमें हमारे ई रिक्शा में नाट नहीं है 14-15 की। तो और उसका बाद आती है हमारे 12-13 की, तो देखिए दोस्तों आप लोगों को 12-13 की इस तरह से दो लेना पड़ेगा, एक डाल एक रिंग लेना पड़ेगा। और जो 14-15 हो गया अभी घूमने गया, उसका ससुराल आएगा तो उसको दिखा दूंगा मैं दोस्तों। और उसके बाद देखिए ये आती है हमारे 10-11 की, तो 10-11 हमारा बहुत ही नाट होती है, जो हमारे गियर बॉक्स का भी, जो मोटर के हम गियर ऑयल डालते हैं, गियर बॉक्स खोल के जो ऊपर के नाट रहते हैं उसमें भी 10-11 लगती है, 12 भी लगती है दोस्तों। तो ये हमारा हो गया। उसका बाद आती है हमारा जो सिलाई रेंज,
तो कभी कभी देखिए किसी किसी नट हम नहीं खोल पाते हैं, इसलिए हम क्या करें सिलाई रेंज का ही यूज करते हैं। तो बहुत ही नट इसमें पकड़ती है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों सिलाई रेंज किस तरीके से लेना है, आपको किस प्रकार से लेना है दोस्तों। तो ये देखिए 10 mm का सिलाई रेंज है, तो इसको आप हो सके तो 12 mm का लीजिए, क्योंकि हमारा 10 इंची ये है, तो 12 इंची आप लीजिए तो बहुत ही अच्छी होगा दोस्तों। कि हमारा ज़्यादातर इस सिलाई रेंज में जो हमारा टी के ऊपर हेड नट रहती है उसी के नट को हम इसमें ओपन कर दें दोस्तों। तो देखिए इस गुठी में जो हमारा 32 mm का गुठी है इसमें कभी कभी पकड़ती है दोस्तों, तो इस तरीके से आप एक डाल भी ले सकते हैं दोस्तों। और हम तो ज़्यादातर ही निकालते हैं इसी के सिलाई से ही निकालते हैं दोस्तों, हेड के ऊपर जो नट रहती है। तो इसका भी हो गया दोस्तों। और एक बात दोस्तों, आपको लेना पड़ेगा एक बहुत ही अच्छी चीज़ जो आपको लेना ही पड़ेगा। जब भी हम ब्रेक्सो खोलती है, ब्रेक्सो के अंदर क्लिप रहती है ब्रेक्सो रिमूव करने के लिए, क्या बियरिंग को चेंज करने के लिए, तो आपको इस तरीके से एक प्लास लेना पड़ेगा जो हमारा इसको इस तरह से होगा दोस्तों। देखिए ए प्लास हमारा तो इस तरीके से काम करेगा, जो हमारा काजू पत्ती लॉक रहती है ब्रेक ड्रम के ऊपर प्लेट ब्रेक्सो के ऊपर, तो उसको इस तरह से ओपन करके निकलना पड़ेगा दोस्तों, इसलिए आपको ए प्लस लेना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों बहुत ही चीज़ है, किसी भी आप काजू पत्ती को इस तरह से ओपन कर सकते हो दोस्तों। उसका बाद आपको लेना पड़ेगा और एक प्लस। तो देखिए प्लस तो हमारे बहुत ही काम आती है, आपको ई रिक्शा का किसी भी काम करने के लिए आपको एक प्लस चाहिए, तो प्लस भी हमने मैंने ले लिया। उसका बाद देखिए दोस्तों ये आपको इस प्रकार की एक स्क्रू ड्राइवर लेना है। तो बहुत सारी नट देखिए हमारा जो ज़्यादातर ये तो स्क्रू ड्राइवर के काम नहीं है दोस्तों, ज़्यादातर काम आते हैं हमारे जो येलो बॉक्स है पीला बॉक्स जो मोटर की और बैटरी के कनेक्शन होती है वह पे लगना है लगती है दोस्तों। तो इधर तो नहीं लगती, इधर साइड ही लगती है दोस्तों। तो ये हो गया। उसका बाद आपको इस तरीके से भी प्लास लेना पड़ेगा एक दोस्तों। तो इस तरीके से प्लास क्या काम आती है देखिए, जब हमारा पुराना गाड़ी है पुराना गाड़ी के जो बियरिंग को निकालने के लिए आपको एक काजू पत्ती बड़ा सा दिखने को मिलेगा, उसको ही इसके लेने के लिए इसको निकालने के लिए देखिए इस तरह से गोल रहेगा, दोनों तरफ होल रहेगा, इस तरीके से आपको इसको पकड़ना है, जोर से दबाकर उसको निकालना है, जैसी कोई चाइना इंजन के अंदर होती है हमारा लॉक उस तरीके से दोस्तों। इसलिए बहुत ही काम की चीज़ है दोस्तों, इसको भी आपको लेना पड़ेगा। और एक बात दोस्तों देखिए, इस तरीके के जो देखिए छोटी वाले टेंसर है इसका क्या काम है, ये बहुत ही काम की है दोस्तों, तो इसको भी आपको लेना पड़ेगा। तो ये जो हमारे छोटी वाली टेंसर रहती है, इसको जब हम गाड़ी में नया बूस्ट डालती है यानी जेली बूस्ट जो हमारे पत्ती के अंदर रहती है, वो बूस्ट को डालने के लिए जब हम प्लास्टिक के बूस्ट डालती है और रबर की बूस्ट डालती है, तो दोनों को कटिंग करके अंदर डालने के लिए ये हमको लगेगा दोस्तों इस तरह से टेंसर। तो इस टेंसर में बहुत कुछ काम आ सकती है दोस्तों हमारा ये रहेगा, तो वही काम करता हूँ मैं दोस्तों। तो इसको मैं छोड़ दिया, उसका बाद हम और एक चीज़ लेते हैं जो देखिए ये हमारा एक कटरी है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, तो ई रिक्शा में तो ज़्यादातर देखिए हमारे जो ऑयरिंग के छोटी मोटी प्रॉब्लम हो जाती है, फॉल्ट हो जाती है, तो चेक करके कि इसको कटिंग करके फिर से ज्वाइन करने के लिए इस प्रकार से आपको एक कटर लगाना पड़ेगा दोस्तों। तो ये तो ज़्यादातर ज़्यादा प्राइस नहीं है दोस्तों, बहुत ही सस्ती है, इस प्रकार से आप एक भी कटर लेना पड़ेगा दोस्तों। और क्या उसका बाद हमारे जो आती है ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो इसको आपको लेना ही पड़ेगा दोस्तों, बहुत ही कमाल का चीज़ है दोस्तों। देखिए दोस्तों ये जब हम बियरिंग को हमारे गाड़ी से जब 62.5 हमारे जो बियरिंग रहती है उसको रिमूव करने के लिए यानी एक्सल जो हमारी रहती है एक्सल को रिमूव करने के लिए ये बहुत ही काम का चीज़ है दोस्तों। देखिए जो हमारा ब्रेक्स और प्लेट उसका बाद सब कुछ निकाल देने का बाद ये हमारा इधर एक्सल के अंदर घुस जाती है और जो हमारा मोटी वाले नट रहते हैं एक्सल का इधर मार देती है, मारने से पहले जो हमारा लॉक रहती है इसके अंदर घुसा कर इस नट को डाल देती है। उसका बाद हमारा जो 32 mm की गुठी है तो इस गुठी से हम इसको टाइट करते हैं, ऑटोमेटिकली एक्सल निकल कर बाहर आ जाती है, एक्सल के साथ हम बियरिंग को भी निकाल देते हैं दोस्तों। तो ये हो गया, ये आपको लेना पड़ेगा दोस्तों, वरना आपको गियर बॉक्स की जो नीचे वाली पाइप रहती है उसको आपको खोल कर बियरिंग चेंज करना पड़ेगा, उसमें बहुत ही टाइम लगती है, इसमें आप करेंगे तो 10 से
मिनट से एक बियरिंग 10 भी नहीं लगेगा दोस्तों, 7 से 8 मिनट लगेगा एक बियरिंग को चेंज करने में दोस्तों।